दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम जीते एशिया कप को तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों पाकिस्तान को हराकर फाइनल में पहुंचकर शनाका ने अपने बयान में भारत के लिए कुछ ऐसा कह दिया कि सुनकर आपका भी कौन खोल उठेगा। आखिरकार भारत को फाइनल में हराने पर क्या बोले हैं शनाका अपने बयान में, आपको उनके बयान का पूरा वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, एशिया कप की फाइनल जंग जो भारत और श्रीलंका के बीच में होगी उसे कौन जीत कर दिखाएगा, भारत या श्रीलंका? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों वो दो टीमें मिल गई हैं जो एशिया कप की ट्रॉफी के लिए भिड़ती हुई नजर आएंगी। पहले भारत ने पाकिस्तान को हराया, श्रीलंका को भी हराया और इन दोनों को सीढ़ी बनाकर चढ़ी भारतीय क्रिकेट टीम सीधा फाइनल की दहलीज पर। उधर श्रीलंका और पाकिस्तान की टीम के बीच में आज इसी आर प्रेमदासा स्टेडियम में एक बेहद ही हद से ज्यादा रोमांचक मुकाबला खेला गया। कहने को तो ये वनडे मैच था लेकिन यकीन मानिए ये T20 के सुपर ओवर से भी ज्यादा ड्रामेटिक बन चुका था। इतना ज्यादा रोमांचक कि दर्शक अपनी सीट पर खड़े हो गए थे, तांतों तले उंगलियां चबा चुके थे। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि पहले से ही मुकाबला 42 ओवर का था और पाकिस्तान की बल्लेबाजी कोई बहुत ज्यादा ताबड़तोड़ नहीं रही थी। केवल 2-3 खिलाड़ियों ने 50 से ज्यादा रन बनाए या उसके आसपास, जिसके चलते 252 रन बने थे स्कोरबोर्ड पर। अब 253 चेस करने थे, आसान तो नहीं था। लेकिन श्रीलंका की टीम की तरफ से एक ही पारी कुशल मेंडिस की 91 रन की निकली, समर विक्रमा भी 48 रन लगा गए और असालंका जो मैच के असल हीरो भी बने वो 49 रन की नाबाद पारी खेल कर गए। अब यहां पर रोमांचक ये हो चुका था कि 35 गेंद में 35 रन चाहिए थे। वहां से शाहीन शाह अफरीदी ने मोमेंटम उठाकर सेकंड लास्ट ओवर में भी दो बड़े विकेट निकाले, जिसमें उन्होंने एक इंपॉर्टेंट प्लेयर वेलालेगा को भी आउट किया, वो भी शून्य पर। लेकिन दोस्तों अंतिम ओवर की जब बात आई, 8 रन डिफेंड करने की जब बात आई, तो पाकिस्तान के बॉलर जमान खान को बुलाया गया। दोस्तों कहने को तो इन्होंने भी एक विकेट ले लिया था, लेकिन जब 5वीं गेंद पर चौका पड़ा तो मुकाबला फिर से फंस गया और अंतिम गेंद पर जब 2 रन चाहिए थे तब असालंका ने ही शॉट लगाकर 2 रन पूरे किए और श्रीलंका को इस मैच में जिता दिया, या फिर यूं कह लीजिए कि हारे हुए मैच में श्रीलंका को जिताया। और दोस्तों हारे हुए मैच में जीत कर श्रीलंकाई टीम फाइनल में पहुंच गई है, इसका घमंड तो कप्तान को होगा ही। लेकिन अब फाइनल में भारत को हराने पर, चुनौती देने पर क्या बोले हैं श्रीलंकाई कैप्टन, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जीत के बाद श्रीलंकाई कैप्टन शनाका ने अपने बयान में कहा, ये जीत वाकई में चैलेंजिंग थी। पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जीतना, वो भी कम ओवर्स में एक बड़े लक्ष्य को चेस करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों ने मिलकर वो रातों की मेहनत को सफल बना दिया, जिसके चलते हम पाकिस्तान दुनिया की नंबर 1 ODI टीम को हरा कर फाइनल में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि पूरे टूर्नामेंट को जीतने में हमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। हमारे स्टार खिलाड़ी भले ही हमारे साथ नहीं, लेकिन युवा खिलाड़ियों के कॉम्बिनेशन के साथ भी हम जीते हैं और यही हमारे लिए असल जीत है। बस अब फाइनल जीतकर ट्रॉफी को अपने ही घर में अपना बनाकर रखना है। मैं जानता हूं इंडियन टीम हमसे हमारी मिट्टी पर पिछले मुकाबले में जरूर जीत गई थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब हम उनकी कमजोरियों को भांप चुके हैं। पिछली बार जिस तरीके से उन्हें कम स्कोर पर आउट किया था, अब उतने ही कम स्कोर पर उनकी बल्लेबाजी को भी रोक पाएंगे। उम्मीद है भारतीय क्रिकेट टीम सारी तैयारियां कर आएगी, क्योंकि इस बार जीत केवल और केवल हमारी है, एशिया कप हमारा है। दोस्तों पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जीत तो श्रीलंका को मुबारक है, लेकिन ये बयान कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बड़बोलेपन से भरा हुआ है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, फाइनल को कौन जीतने वाला है, भारत या श्रीलंका? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।